दो दो तीन तीन पांच पांच पत्थर उठाओ, सब लोग इनके हैं, सब लोग उठाएंगे। पंजाला स्कूल में बहुत मज़ा भी आ रहा है, कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं जिनसे सामान्य से नहीं बिठा पा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो बच्चे यहाँ पर बढ़िया हैं और बच्चों का जो एक स्तरीय जो ज्ञान है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्तरीय ज्ञान है। गुरुजी लोग काफ़ी मेहनती हैं और उनके साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सर, ये जो स्तरीय ज्ञान आपको लग रहा है कि बच्चों में बहुत अच्छा है, इसकी कुछ एक वजह आपको नज़र आई होंगी? वजह यही है कि जो शिक्षक हैं बिल्कुल तन्मयता के साथ, और उनको एक आत्मविश्वास है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो बच्चों पर उसका प्रभाव बढ़िया ही पड़ेगा। और अध्यापक लोग अगर मेहनती हैं, अभिभावकों से बराबर सहयोग ले रहे हैं, बच्चे भी जो है उसका अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं और बच्चे दिख रहा है उनका जो आउटपुट है। वो था ऊपर है, तो जो हमारे वीर कौन थे, मारू सिंह है, तो उन्होंने क्या किया है, पहाड़ी जो थी उससे ऊपर से भोजन करो। अब आप भोजन कर सकते हैं, चलो गिराएंगे नहीं, ठीक है। जिसको दाल चाहिए ताऊ जी से दाल ले ले, 15 मिनट का इंटरवल है आप लोगों के लिए। विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य है। कितना समय हुआ आपको इस स्कूल से सदस्य बने हुए? समय कितने साल से हैं आप? साल से नहीं, अभी से। अच्छा, तो समिति की जब बैठक होती है तो आपका आना होता है? हाँ, आते हैं मीटिंग में। आपके बच्चे हो गए यहाँ? हाँ, मेरे बच्चे हैं। कौन सी कक्षा में? एक 4 में, एक 3 में, एक 2 में। कैसा है उनका पढ़ने का सब? बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छे से पढ़ रहे हैं? हाँ। संतुष्ट हैं आप उनकी पढ़ाई से? हाँ, बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ये यही अपने गुरु लोगों का धन्यवाद मानते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी टीचर आ रखे। जब एक टीचर थे उनके साथ हमने, वो अकेले इतना कोशिश करते थे पूरा स्कूल को मेंटेनेंस करना, या मतलब अकेले। अब तो 2-3 टीचर आ रखे हैं, पर पहले ज़्यादा वो दिक्कत थी स्कूल में। तो हमारे प्रधानाचार्य जी की काफ़ी हो रही है, उन्होंने काफ़ी कोशिश करके उनको इतना मेंटेनेंस रखा हुआ था कि। तो आप तो समुदाय के सदस्य भी हैं और समिति के अध्यक्ष भी हैं जी, और बच्चे के अभिभावक के नाते भी, आपकी इस विद्यालय से क्या अपेक्षाएं हैं? हमारी तो यही अपेक्षा है कि हम चाहें कि हमारे विद्यालय का और भी अच्छा हो, मतलब कोई स्कूल में दिक्कतें ना हो, कोई वो प्रॉब्लम ना हो। अभी तक जैसे मैंने एक बार संस्था वालों ने हमारे को बोला था कि नालियों के लिए, मैंने उनको बोला था कि, उन्होंने बोला हम लैट्रिन के बाथरूम के लिए बोला वो बना दिया था इन्होंने, फिर तो मैंने एक नाली के लिए बोला था, उन लोगों के लिए हाँ करा, पर लेकिन उस नाली का काम अभी तक नहीं हुआ, वो तो रखा है उन्होंने। घर आपका यहाँ से? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर है। आप लोग कैसे आते हो स्कूल यहाँ तक घर से? कैसे आते हो? पैदल आते हो रोज? यहाँ अपने स्कूल में काम करें, एडमिशन करें, तो धीरे धीरे हमारा काम चलता रहा, काम अच्छा किया। मैडम ने भी बहुत मेहनत की, जो मेरे साथ दूसरी मैडम थी, और खैर हम अपनी मुआवजे तो नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपना काम किया।
और जब मैं यहाँ आया तो उस समय यहाँ छात्रों की स्थिति बहुत कमजोर थी, यानी कक्षा 5 का बच्चा आज से 11 तक पहचानने के लिए शुरू नहीं था इसमें, और पढ़ना तो बहुत दूर की बात। मैंने अपने ये बात जो है सीआरसी महोदय तक रखी, हमारे नोटल जी सीआरसी के, मैंने कहा पंजा अगर आपके सीआरसी में सबसे कमजोर अगर स्कूल होगा बच्चे होंगे तो पंजा लगे, तो उन्होंने भी स्वीकार की बात कि वास्तव में वहाँ स्थिति ऐसी है। और उसके बाद अगले साल एक साल बाद हमारे बच्चे ब्लॉक स्तर तक, जैसे जीके प्रतियोगिता होती थी, स्लेक प्रतियोगिता होती है, जी ब्लॉक स्तर पर द्वितीय स्थान हमारे छात्र ने किया, और सीआरसी स्तर पर तो हर साल हमारा बच्चा प्रथम रहते थे। जैसे परसों की एक प्रतियोगिता हुई थी उसमें 5 प्रतियोगिताएँ थी, 5 में से 3 में हमारा बच्चा प्रथम रहा। हर साल मतलब हमारे यहाँ से बच्चे बराबर किसी न किसी कम्पिटिशन में आगे निकलते और तभी से पंजा लगा। तो हम कुछ अतिरिक्त नहीं करते हैं और ना हम अतिरिक्त पढ़ाते हैं ना अतिरिक्त समय देते हैं, जो स्कूल का टाइम है वो पूरा समय हम बच्चों को देते हैं। और जैसे कि मेरे पास अब डबल काम है, स्कूल का भी है, व्यवस्था भी है और बच्चों का, तो स्कूल का जितना भी काम है मैं यहाँ नहीं करता। और मैं 5 दिन बाद आया, भोजन की पंजीका है जो भी है वो सब मैं घर ले जाऊँगा, ऐसे अलग डाक हैं अब उस घर से बना करके मैंने ये बैग रखा है, वो चलता फिरता कार्यालय है हमारा, उसमें मोल भी रखे सब कुछ उससे काम करके प्रस्ताव भी लिखने के घर से, क्यों अगर हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे बच्चे इतने ज़्यादा हैं हैं कुछ शोर होगा क्लास में, देखती हूँ 2 गुरु जी हैं, एक उस कमरे में उसके बाहर हमारे आपने देखा कक्षा 1 में 43 बच्चे हैं, उनको देखना जो है समझ जाओ अगर क्लास में।